अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होने वाला है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 7,000 से ज्यादा लोग हिस्सा लेने वाले हैं। माना जा रहा है कि शुरुआती महीनों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में छुट्टी रहने वाली है। बता दें कि इसको लेकर शराब और मांस की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा असम, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा जैसे राज्यों में हाफ डे रहने वाले हैं। केंद्र सरकार ने भी अपने अंतर्गत आने वाले दफ्तरों में हाफ डे का ऐलान कर दिया है। बता दें कि चंडीगढ़ में भी शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश के दफ्तरों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। देश के कई अन्य राज्यों में भी छुट्टियां करने की मांग की जा रही है। वहीं 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले शुक्रवार को राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बता दें कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश दुनिया के कई वीआईपी आमंत्रित हैं। इनमें से अधिकांश के विशेष विमानों से पहुंचने की संभावना है। उम्मीद है कि इस दिन अयोध्या में 100 से अधिक फ्लाइटें आएंगी। इसके मद्देनजर 1000 किलोमीटर के दायरे में 5 राज्यों के 15 एयरपोर्ट्स पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बता दें कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कुशीनगर, गोरखपुर, रायबरेली, फुर्सतगंज, देहरादून, पटना, गया, देवघर, सुखराव, भोपाल, इंदौर की विमान पार्किंग के लिए चिन्हित किया गया है। साथ ही कुछ और एयरपोर्ट्स को तैयार रहने को कहा गया है। पार्किंग की विशेष व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि अकेले महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या पर एक साथ इतने विमान पार्क नहीं किए जा सकते। अयोध्या में कल प्राण प्रतिष्ठा होना है जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। जहां एक तरफ अयोध्या को सजाया जा रहा है, अयोध्या नगरी पूरी तरीके से राममय हो गई है, वहीं कल प्रधानमंत्री समेत कई वीआईपी के आने की बात कही जा रही है। जहां कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 7,000 लोगों की कल आने की संभावना है और ये जो वीआईपी आएंगे वो अपने फ्लाइट से आएंगे, जिसको लेकर एयरपोर्ट्स पर भी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि इतने लोग आएंगे और इतनी फ्लाइटें आएंगी तो इसलिए अलग अलग जगहों पर इसकी व्यवस्था की जा रही है। बड़ी संख्या में एयरपोर्ट्स को तैयार रहने को भी कहा गया है कि अगर इस स्थानों पर, इस एयरपोर्ट्स पर जगह भर जाते हैं तो फिर वहां पर उड़ानों को लैंड किया जाएगा। बता दें कि श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में छुट्टी रहने वाली है। वहीं अगर बात हम विमानों के लिए करें तो बता दें कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कुशीनगर, गोरखपुर, रायबरेली, फुर्सतगंज, देहरादून, पटना, गया, देवघर, सुखराव, भोपाल, इंदौर को विमान पार्किंग के लिए चिन्हित किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव जी, जो अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वो पूरी बात हमें बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है अयोध्या में और जो इतनी बड़ी तैयारी हो रही है अयोध्या में वो कहां तक पहुंची है या फिर मुकम्मल हो गई है। जी अंकित जी, हम आपसे बस यही जानना चाहते हैं कि कल जो बड़ा महापर्व अयोध्या में मनाया जाएगा जिसके लिए पूरा देश उत्साहित है, तो कहा जा रहा है इस उत्साह में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 7,000 श्रद्धालुओं की भी पहुंचने की संभावना है। अब चूंकि वो वीआईपी हैं तो वो अपने अपने विमानों से आएंगे, तो इसके लिए जो है वो कई एयरपोर्ट्स को चिन्हित किया गया है और उन्हें तैयार रहने को कहा गया है। तो इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है, ये मेहमान आएंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसे कैसे इनके लिए इंतजाम किए गए? देखिए, लगभग श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को न्योता दिया है और उसमें से कई वीआईपी हैं, फिल्म स्टार हैं, उद्योगपति हैं, साधु संत समाज के लोग हैं। लगभग 4,000 के आसपास
देश के विभिन्न इलाकों से, विभिन्न राज्यों से साधु संत अयोध्या आए हुए हैं। उनके रुकने का इंतजाम किया गया है, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से की गई है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसका समय अब बहुत ज्यादा नहीं बचा है, मात्र 25 से 26 घंटे बचे हुए हैं। एक एक पल का इंतजार अयोध्या के वासी भी कर रहे हैं। जो हमारे साथ आप भीड़ देख रही हैं, ये बहुत दूर दराज से आए हुए संत हैं, दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु हैं। बहरहाल अभी आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद किया गया है, क्योंकि पूजन चल रहा है, अनुष्ठान का कार्यक्रम चल रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को यानी कल 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और लगभग 12:55 तक ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा। और इसके बाद जो VIP आए हैं, जो उद्योगपति आए हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों से साधु संत लोग आए हुए हैं, उनके दर्शन के उपरांत आम श्रद्धालुओं के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन खोले जाएंगे। कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, उनसे ही पूछेंगे कहाँ से आप आए हैं, क्या नाम है आपका? तो जय श्री महाकाल, जय सिया राम। मेरा नाम ऋषभ भटनागर है और मैं उज्जैन, मध्य प्रदेश, बाबा महाकाल की नगरी से आया हूँ। आज ANB न्यूज के माध्यम से अवंतिका टूर प्लानर का नेतृत्व करते हुए मैं आप सभी को मेरी कुछ स्वलिखित भजन की चंद पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। सुनाइए सुनाइए, गुनगुनाइए, क्योंकि अयोध्या की जो नगरी है पूरी तरह संगीतमय हो गई है, रामधुन में गूंज रही है। क्या क्या लिखा है आपने? हमने जिस दिन को पुकारा वो दिन अब आ गया है, सपना हम सबका देखो पूरा होने वाला है। राम की नगरी देखो अयोध्या सजने लगी है, जुबां जो चुप थी पहले राम को ही जपने लगी है। बतला दो पूरी दुनिया को, बतला दो पूरी दुनिया को, उनके पिता है राम, भगत के दिल में है श्री राम, जगत के दिल में है श्री राम। देखिए ये श्रद्धालु हैं, ये राम की भक्ति इसे कहेंगे कि उनको अयोध्या की चलाई है। अयोध्या हमारे पीछे कितनी भीड़ है, दूर दराज से लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका माता जी, कहाँ से आप आई हैं? क्या कहेंगी, ये कहेंगे कि भगवान अच्छी तरह से रहे और बहुत बरसन में भगवान के दर्शन। ठंडी पड़ रही है, बहुत ठंडी, बहुत ठंडी ज्यादा लग रही है। जल्दी जल्दी 14 साल राम जी लौट के आए थे, फिर भी लौट के आ गए राम जी, इसलिए हमें अयोध्या नगरी बहुत सजी सजी लग रही। और क्या है कि राम राम हृदय में बसा लो, सबसे बोलो मीठी वाणी और थोड़े दिन की जिंदगानी। ये बिल्कुल जो राम की नगरी अयोध्या है, वहाँ पर उत्साह है, हर्ष है, खुशी है चेहरे में अपने आराध्य को देखने के लिए। एक तरह से ललक आप देख सकते हैं, जो ठंड पड़ रही है वो भी ऐसा नहीं कि बहुत कम हो चुकी है। कड़ाके की ठंड है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन वो जरूर एक बार करना चाहते हैं। बहरहाल दर्शन शुरू होंगे, कल से शुरू होंगे प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, इसके बाद सभी लोग अपने आराध्य श्री राम का दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या की जो नगरी है वो पूरी तरह से दीपोत्सव के रूप में एक तरह से दिख रही है, जिस तरह से दिवाली के शुभ अवसर पर सभी घर सजते हैं, मंदिर सजते हैं, देवालय सजते हैं, सब लोग पटाखों से भगवान श्री राम का एक तरह से उत्सव मनाते हैं। ठीक उसी तरह 22 जनवरी का ये कार्यक्रम हो रहा है, जब भगवान श्री राम अब टेंट से अपने महल पे पहुंच रहे हैं, अपने घर में विराजित हो रहे हैं, तब की जो अयोध्या की नगरी है, जैसे त्रेता युग में अयोध्या की नगरी थी, उसी तरह का उत्साह आज भी देखने को मिल रहा है। अयोध्या के जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं, वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, सजाया गया है वहां जी। बिल्कुल, ये तो खबरें लगातार, जी अंकित जी, ये खबरें तो लगातार सामने आ रही है कि अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और अभी भी आपने जो श्रद्धालुओं से हमें बात करवाया, उनके गीतों से भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने उत्साहित हैं।
तो देखिए, जो अयोध्या में राम मंदिर का जो इंतजार था, पहले सालों का था, फिर वो इंतजार दिन में बदला और अब बस कुछ घंटों का इंतजार श्रद्धालुओं का रह गया। उसके बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उसके बाद जो है वो 23 तारीख को सुबह से श्रद्धालुओं के लिए द्वार खोल दिए जाएंगे। लेकिन कल के जो कार्यक्रम है, वो कल के कार्यक्रम जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो कहा जा रहा है कि आपने भी बताया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10-11 बजे तक वहां पर आ जाएंगे। तो क्या वो आने के बाद सीधे मंदिर पहुंचेंगे या फिर उनके कहीं और ठहरने का पहले इंतजाम होगा और उसके बाद फिर वो मंदिर आएंगे? प्रधानमंत्री, हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या आएंगे, लगभग उनका जो कार्यक्रम है 10:45 को साकेत यूनिवर्सिटी है वहां पर उनका उड़न खटोला रुकेगा। वहीं से वो सीधे हनुमानगढ़ी मंदिर आएंगे। हनुमानगढ़ी में क्योंकि एक प्रचलन है कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को हनुमानगढ़ी में विराजित किया था, वो वहाँ के राजा हैं, इसलिए जो कोई भी प्रभु श्री राम के जब दर्शन करता है तो उससे पहले हनुमानगढ़ी आता है। हनुमानगढ़ी में भगवान श्री हनुमान जी के बजरंगबली के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो सीधे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पहुंचेंगे जहाँ पर ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। लगभग 12:05 से ये कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का शुरू हो जाएगा और 12:55 तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। जो अभिजीत मुहूर्त है मात्र 84 सेकंड का, उस अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी तरह संपन्न कराया जाएगा। जो अनुष्ठान के जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहे हैं, 16 तारीख से वो लगातार अनवरत चल रहे हैं। जो आचार्य हैं, जो काशी से आचार्य आए हुए हैं, वो पूजन अर्चन करा रहे हैं। भगवान श्री राम की अभी आंखों में पट्टी बंधी हुई, वो पट्टी खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खोलेंगे क्योंकि वो इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान होंगे। इसके अलावा इसका जो साक्षी है पूरे देश के और विदेशों के कुछ लोग जो विशिष्ट मेहमान हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, साक्षी बनेंगे। अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बताएं तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ जो मुख्य इलाके हैं और जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए पूरा रास्ता बंद है, वो लोग अंदर अयोध्या के नहीं आ सकते हैं। जी अंकित जी, जैसा कि आप भी हमें वहां का नजारा दिखा रहे हैं, जी अंकित जी, जैसा कि आप भी हमें वहां का नजारा दिखा रहे हैं तो नजारा देख करके भी बहुत सारी चीजों का अनुमान लगाया जा सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।